स्वागत है आप सभी का टेक एमटीके में। आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं दो नए स्मार्टफोन का जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। पहला स्मार्टफोन है सैमसंग का गैलेक्सी और दूसरा स्मार्टफोन है रेडमी के 20 वाला फीलिंग जो इसमें आ रहा है उसमें बहुत सारी चीजें कॉमन भी हैं। सबसे पहली कॉमन चीज जो यहाँ इन दोनों स्मार्टफोन में मिल रही है वो है इनका चिपसेट। दोनों स्मार्टफोन में लेटेस्ट 700 सीरीज वाला स्नैपड्रैगन 730 चिपसेट दिया गया है और यहाँ सबसे खराब खेल जो किया गया है वो है प्राइसिंग का। एक तरफ शाओमी है जो फ्लैगशिप किलर लेके आया है K20 22,000 रुपये में, सैमसंग दे रहा है अपना गैलेक्सी A80 जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है इंडिया के अंदर और प्री ऑर्डर स्टार्ट हो गए फ्लिपकार्ट अमेजोन पे। 1 अगस्त से आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मार्केट में मिलने लगेगा। कीमत की बात करें तो आपको यहाँ पर ये मिलने वाला है 47,990 रुपये का, मतलब 22,000 रुपये और 47,000 रुपये डबल से भी ज़्यादा आपको देने पड़ेंगे सेम चिपसेट वाले स्मार्टफोन के लिए। खास बातें जो बात इन दोनों स्मार्टफोन में आपको मिल रही है वो है इनके कैमरे। स्नैपड्रैगन 730 वाले रेडमी के 20 में आपको मिलने वाला है 3 कैमरे का सेटअप और जबकि स्नैपड्रैगन 30 पर बेस्ड गैलेक्सी A80 भी मिलने वाले हैं आपको 3 कैमरे। गैलेक्सी A80 में दिया गया रोटेटिंग कैमरा जो कि रोटेट होके फ्रंट और बैक दोनों में आपको सेम कैमरे मिलते हैं तो जो इमेज की क्वालिटी वहां पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी जो आपको बैक साइड कैमरे में मिलती थी सेम आपको सेल्फी खींचने के लिए मिलेगी। बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, लाइव फोकस मोड जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग के ऑप्शन भी फ्रंट पे आपको मिल जाते हैं जो अभी तक बैक कैमरे में होते थे। तो इन सब चीजों को देखा जाए तो गैलेक्सी A80 काफी हद तक सेटिस्फाई करता है लेकिन प्राइसिंग यहां पर बहुत बड़ा खेल कर देती है। वहीं रेडमी K20 के कैमरे की अगर बात करी जाए तो K20 Pro की तरह यहाँ सेम कैमरे दिए गए हैं, ट्रिपल कैमरे दिए गए हैं, बैक साइड में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। मनु जैन ने लॉन्च के वक्त ही ये चीज क्लियर कर दी थी कि हमने डिवाइसेस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया लेकिन हाँ ओवर प्राइस का हाइप जो है बहुत ज्यादा फैला हुआ है जिसको आज एक टेक्निकल गुरुजी की वीडियो में काफी क्लियर भी किया गया है लेकिन उसके बारे में बात करने का हमारे पास अभी टाइम नहीं है। अपनी वापस टॉपिक पे आते हैं तो K20 के तीनों कैमरे की अगर बात करें तो यहाँ जो 3 कैमरे आपको K20 में मिल रहे हैं तो आपको 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया गया, उसके अलावा टेलीफोटो लेंस दिया गया 8 मेगापिक्सल का और साथ ही साथ K20 में आपको मिला है 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा जो कि परफॉर्मेंस के मामले में काफी हद तक बेहतर है। डीप कंपैरिजन जो है वो अभी तक इनका नहीं हुआ क्योंकि मेरे हाथ में ये फोन नहीं है लेकिन जो मैंने दूसरी वीडियोस को देख के ऑब्जर्व किया जो समझ में आया वो ये कि अगर आप स्नैपड्रैगन 730 पर बेस्ड दो स्मार्टफोन के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं जिनमें लगभग सारी चीजें सेम है, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस का फर्क है लेकिन प्राइस का फर्क डबल से भी ज्यादा है तो डू द मैथ वाला जो ऑप्शन पिछले साल दिया था शाओमी ने कुछ हद तक वही मैथ आप दोबारा फिर से लगा सकते हैं अगर आप प्लान बना रहे हैं रेडमी को छोड़ के सैमसंग के स्मार्टफोन को खरीदने के लिए। तो गैलेक्सी A80 बहुत ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ जाएगा और वैसा वहाँ पर कुछ भी खास नहीं मिलने वाला सिवाय एक रोटेटिंग कैमरे के। 730G दिया गया है यहाँ पर, एक चीज़ और क्लियर कर दूँ 730G थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है परफॉर्मेंस में लेकिन 22,000 रुपये से भी ज़्यादा का डिफरेंस जस्ट डबल K20 में। तो टू द मैथ वाला ऑप्शन ले और रेडमी K20 आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन बन सकता है अगर आप जाना चाहें तो, ना कि आपके लिए ये जो सैमसंग के दूसरे गैलेक्सी A80 जैसे स्मार्टफोन जो आपको सैमसंग लूट कर मार्केट में डाल रहा है। कई सारी और भी चीज़ें हैं जो क्लियर हो जाएं जैसे कि रेडमी K20 में आपको मिल रहा है हेडफोन जैक, सैमसंग के गैलेक्सी A80 में कोई भी हेडफोन जैक नहीं मिलने वाला है आपको और ये माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट का जो ऑप्शन है वो यहाँ इन दोनों ही स्मार्टफोन में नहीं दिया गया है। ये चीज़ बहुत ही गजब की कर दी, मतलब क्या यार माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन ही नहीं दिया है। 47,000 रुपये आप खर्चा करेंगे तो उसमें माइक्रो SD कार्ड नहीं मिलेगा और 22,000 रुपये में भी आपको माइक्रो SD कार्ड जो है वो यहाँ पर नहीं मिलने वाला है दोनों स्मार्टफोन में। इंटरनल स्टोरेज जो है सैमसंग 128GB पर फिक्स कर दिए, इसके अलावा दूसरा कोई वेरियंट नहीं है, एक ही वेरियंट है 128GB का जबकि रेडमी K20 में आपको दो वेरियंट मिल रहे हैं। जबकि रेडमी K20 में आपको मिल जाएगा एक 6GB 64GB का वेरियंट, एक आपको मिल जाएगा 6GB 128GB का वेरियंट और खबर है कि एक तीसरा वेरिएंट भी है 8GB 256GB वेरिएंट। लेकिन इस सारे के सारे आपको लगभग 30,000 के अंदर मिल जाएंगे K20 में सेम चिपसेट, थोड़ा बहुत डिफरेंस, इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा प्राइस में लेकिन स्टोरेज भी आपको लिमिटेड देगी। हेडफोन जैक नहीं है, USB टाइप सी आपको ईयरफोन मिल रहे हैं, अगर आपने अनबॉक्सिंग वीडियोज़ देखी होंगी तो वहाँ आपने देखा होगा USB टाइप सी की हेडफोन निकल रहा है तो सैमसंग ने यहाँ इस चीज़ को भी डिच कर दिया है। हाँ सैमसंग ने प्रमोशन में जरूर ये चीज़ किया करी कि सैमसंग पे आपको दिया जा रहा है आप बेहतर पे, यार सैमसंग पे एक अलग ही चीज़ होगी अब तो यार छोड़ो उसको, उसके ऊपर फोकस करना बंद कर दो सैमसंग क्योंकि अब सैमसंग पे इज़ नॉट मैटर एट ऑल। गैलेक्सी A80 में आपको मिल रही है 3700 की बैटरी, वहीं शाओमी के रेडमी K20 में एज यूजुअल सारे के सारे फ़ोन में जो देते हैं 4000 वाली वही पुराना एक जो बना के रख लिया है उसी को चिपकाते रहते हैं हर फोन में, तो यहाँ पर भी वही 4000 mAh की बैटरी दे दी गई है। चार्जिंग की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर शाओमी का रेडमी K20 सपोर्ट करता है 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग जबकि सैमसंग का गैलेक्सी A80 आपको दे रहा है 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग।
दोनों ही स्मार्टफोन में अगर आपको उससे ज़्यादा का चार्जर इस्तेमाल करना है तो अलग से खरीदना पड़ेगा। और शाओमी ने इंडिया में लॉन्च भी कर दिया 1000 रुपये का अपना नया फास्ट चार्जर 25 वॉट वाला। K20 में आपको दी गई है एमोलेड डिस्प्ले, ना कि सुपर एमोलेड। और सैमसंग जो कि हर फोन में लाता है अपना सुपर एमोलेड डिस्प्ले, तो यहाँ पर भी आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है फुल HD प्लस। क्वाड HD डिस्प्ले भी नहीं है यहाँ पर 47,000 में। मतलब करना क्या चाह रहे हो सैमसंग, लूटने की भी हद होती है। तो दिमाग लगाएं अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से सोचें समझें, उसके बाद आप स्मार्टफोन की तरफ भागें। अगर गैलेक्सी A80 आपके लिए एक ऑप्शन बनता दिख रहा है आपको, तो 3000 रुपये और लगाएंगे तो सैमसंग का गैलेक्सी S10e आपको मिल जाएगा, या फिर आप 3000 रुपये से अच्छा 2000 रुपये और लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा OnePlus 7 Pro, जो कि काफ़ी हद तक गैलेक्सी A80 से बेहतर है परफॉर्मेंस से लेकर डिस्प्ले से लेकर हर एक चीज़ में। और बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, ओप्पो का Reno 10X है यहाँ पर, गेमिंग स्मार्टफोन भी अब तो आ गए हैं। तो इतना पैसा लगाने के बाद सिर्फ कैमरा फोकस स्मार्टफोन अगर खरीदने का आपका प्लान है तब तो गैलेक्सी A80 आपके लिए बेस्ट है, आंख बंद कर खरीद लो, या अगर आप सैमसंग के दीवाने हो तो बिल्कुल। तो दोनों के दोनों स्मार्टफोन के लिंक नीचे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां क्लिक करके अगर आप खरीदने का मूड बना रहे तो डिटेल्स में देख सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस, क्या क्या प्राइस और ऑफर मिल रहे हैं इन सारे स्मार्टफोन्स के ऊपर। रेडमी की सेल मंडे को होगी, तो अगर लेने का मूड है तो मंडे तक इंतजार करें। और A80 जो है वो आपका 1 अगस्त के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा, तो दोनों में ही आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक चैनल को चलाने के लिए बेहद 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 ज़रूरी है। थैंक यू।